हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लियर्स। हम लोग एमपी पीजीटी के लिए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं। उस सीरीज में आज हम लोग मैकबेथ को डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ। तो भाई आज हम लोग मैकबेथ को डिस्कस करने वाले हैं ना, इसी जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डंकन वाज द किंग ऑफ। बताना है आपको जो डंकन राजा था वो कहाँ का राजा था, स्कॉटलैंड का या फिर इंग्लैंड या फिर आयरलैंड या फिर फ्रांस। ओके, तो आपको मालूम है जो किंग डंकन था वो डंकन कहाँ का राजा है, स्कॉटलैंड का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज वैलिड। सेकेंड क्वेश्चन है, और सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा, द ब्रेव जनरल हु लिव्ड इन स्कॉटलैंड इन द रीन ऑफ डंकन। डंकन के राज्य में जो एक बहादुर जनरल रहता था, जो सेनापति रहता था, उसका आपको नेम बताना है कि वो कौन था, क्या है उसका नेम। क्या वो बैंको था, क्या वो मैकवे था, मेलकम था या फिर पियास। तो आप देख सकते हैं इनमें से उस व्यक्ति की बात हो रही है जो बहुत ज्यादा बहादुर को इस प्ले के अंदर दिखाया है, और वो जनरल है राजा जो डंकन था, डंकन के यानी क्या है साम्राज्य में रहा करता था। तो वो आप देखेंगे मैकबेथ जो है वो कौन था, वो एक जनरल था। जनरल तो देखो बैंको भी था ध्यान। ओके, बैंको कौन है, बैंको भी जनरल है। ओके, डंकन भी आर्मी के, दोनों ही जनरल है, लेकिन जहां ज्यादा ब्रेव की बात आती है तो फिर आप मैकबेथ के साथ चलते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, मैकबेथ वॉच, बताना आपको कि मैकबेथ जो था वो कौन था भाई। आप मियर सिटीजन, एकमात्र सिटीजन था, एक नागरिक था वहां का बस। आप ब्रेव सोल्जर, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बहादुर यानी क्या है एक सोल्जर था, या आप ब्रेव जनरल, एक ब्रेव जनरल था या सिर्फ एक जनरल था। तो आप कह सकते हैं जो मैकबेथ था ना वो एक बहादुर था, ओके, ब्रेव जनरल था। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे, मैकबेथ वॉज लुक्ड अप टू विद हाई एस्टीम थ्रू आउट स्कॉटलैंड पार्ट। मैकबेथ को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है, हाई एस्टीम, एस्टीम क्या होता है, रेस्पेक्ट। ओके, तो बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है थ्रू आउट स्कॉटलैंड, यानी कि पूरे स्कॉटलैंड के अंदर। आपको बताना है कि किस क्वालिटी की वजह से उसको इस प्रकार का देखा जाता है। तो देखिए, ग्रेट वैलर की वजह से, या फिर स्किल इन वॉर, युद्ध की अच्छी उसके पास स्किल थी इसकी वजह से, या फिर नाइदर और ए नॉर बी। ना तो ए ऑप्शन आपका सही है, या फिर आप कह सकते हैं ना तो बी सही है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो ये बात देखेंगे आप, ग्रेट वैलर, वैलर क्या होता है, उसके पास अच्छा टैलेंट था युद्ध करने का। तो बिल्कुल इस बात को आप देख सकते हैं कि जब जो सर्जियस होता है, ओके, जो फर्स्ट जो सोल्जर है सर्जियस, जब युद्ध से घायल होकर के लौट करके वापस आता है, तो वो इसकी कंडीशन को सुनाता है कि हाँ मैकबेथ को क्या किया, मैकबेथ को बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, बट मैकबेथ किसी पर नहीं रुका और अंदर बिल्कुल लाइक बैलोनास ब्रेड बूम, ओके, बैलोनास यानी क्या ब्रेड बूम के रूप में यानी क्या है वो सीधा चला जाता है और क्या कर देता है, उन सबको वहां से शार्प कर देता है, उन सबको मार देता है। तो इसका मतलब युद्ध की स्किल्स तो थी उसके पास। ओके, इसका मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जाएगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है देखिएगा क्वेश्चन,
द मैन हु वॉज ऑल्सो अक्लोज रिलेटिव ऑफ किंग डंकन, वो कौन सा व्यक्ति था जो किंग डंकन का बहुत ही ज्यादा क्लोज था? तो क्या वो मैकबेथ था, क्या वो मैकडफ था, या फिर बैंको, या फिर पियर्स? तो आप देखेंगे भाई, जो राजा डंकन है, किंग डंकन के लिए जो मैकबेथ है वो सिर्फ एक जनरल ही नहीं है, वो रियल में उसके बहादुरी की वजह से बड़ा अपने थोड़ा सा क्लोज महसूस करता है, उन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, राइट। और किंग डंकन जो है ना, वो हमेशा मैकबेथ की तारीफ किया करता था और उसे कहता कि तारीफ उसकी तारीफ में कि मैकबेथ तुम इतने बहादुर क्यों हो, क्योंकि मैं तुम्हारी इस बहादुरी की कभी इनाम नहीं दे पाता, जितना भी देता हूँ तुम उससे ज़्यादा कर देते हो। ओके, तो इसका मतलब मैकबेथ जो था ना वो उसके बहुत ज़्यादा करीब था। तो ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा होगा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाय द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है आप कह सकते हैं विरासत से ही, उसके पास में विरासत से मिला हुआ जो रूल था वो कौन सा था, मैकबेथ के पास। मैकबेथ वाज द थेनोर, मैकबेथ के अंदर कहां का थेनोर था। ओके, मैकबेथ को बताना है आपको, मैकबेथ जो है वो कहां का थेनोर था, वो भी किससे, इनहेरिटेंस से, यानी कि इनहेरिटेंस कहते हैं लाइक आप कह सकते हो विरासत। ओके, तो विरासत में से उसको कहां की या क्या है पदवी मिली हुई थी, तो थेनोर कार्डर था क्या, थेनोक ग्लैनिस था, या फिर आप थेनोक स्कॉटलैंड कह सकते हैं, या थेनोक नॉर्वे था। तो आप देखते हैं कि थेनोक ग्लैनिस कौन सा, वो थेनोक ग्लैनिस था। ओके, थेनोक ग्लैनिस, कॉर्डर तो वो बाद में बनता है, ठीक है, स्कॉटलैंड का राजा भी बाद में बनता है, नॉर्वे से वो युद्ध कर रहा होता है। ओके, समझ सकते हो, तो शुरुआत में ही जब हम किले को देखते हैं तो उस टाइम पर जहाँ शुरुआत होती है तो उस समय पर उसको एक पदवी मिलती है, और किसकी मिलती है, थेन ऑफ आपका यानी ग्लैनिस की मिलती है। ओके, मैकबेथ डिफीटेड, मैकबेथ ने हराया था भाई, किसको हराया ये देखना। एन अन आइडेंटिफाइड रेबल आर्मी, एक अज्ञात यानी कि दुश्मन, एक विद्रोही जो सेना थी, या फिर आ रेबल आर्मी, एक विद्रोही सेना लेड बाय द थेनोर कार्डर, जिसको थेनोर कार्डर जो था वो लीड कर रहा था, या फिर आप कह सकते हैं आ रेबल आर्मी, एक रेबल आर्मी थी, विद्रोही सेना थी, लेड बाय द थेनोर कार्डर एंड असिस्टेड बाय द आर्मी ऑफ नॉर्वे। या फिर चौथा ऑप्शन आपके पास में क्या है, आ रेबल आर्मी, एक रेबल आर्मी थी, विद्रोही सेना थी, असिस्टेड बाय आर्मी ऑफ नॉर्वे, जिसको नॉर्वे की जो आर्मी थी ना उससे थोड़ा सा असिस्टेड मतलब होता सपोर्ट मिला हुआ था। तो आप इसमें देखेंगे आपका यंग है, इसमें क्या होता है, रेबल आर्मी थी लेड बाय द थेनोर कार्डर, जो थेनोर कार्डर था उस थेनोर कार्डर जो था ना वो लीड कर रहा था, असिस्टेड बाय द नॉर्वन, जो नॉर्वे की आर्मी थी वो क्या कर रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द रेबल आर्मी वर्किंग अगेंस्ट किंग डंकन वॉच, तो जो आर्मी रेबल आर्मी थी और जो राजा डंकन के खिलाफ काम कर रही थी, रेबल आर्मी वर्किंग अगेंस्ट किंग डंकन, किंग डंकन के खिलाफ जो काम कर रही थी वो किस प्रकार की आर्मी थी, स्मॉल इन नंबर, उसमें सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, वेरी लिटिल इन नंबर आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम थी, या फिर कह सकते हैं इनसिग्निफिकेंट इन नंबर, यानी कि उनकी जो संख्या थी युद्ध के लायक या युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं थी, लार्ज इन नंबर, या उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो आप कह सकते हैं कि उनकी संख्या क्या थी, बहुत ज़्यादा। ओके, लार्ज इन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टू जनरल्स ऑफ स्कॉटलैंड, जनरल स्कॉटलैंड के जो दो जनरल थे वो बताने आपको कौन कौन थे, मैकबेथ एंड बैंको थे, या फिर मैकबेथ एंड मैकडफ, या मैकडफ एंड बैंको, या फिर आप कह सकते हैं मैकडफ एंड मैल्कम, कौन थे? तो देखो दो जनरल कौन है, तो वो मैकबेथ और बैंको है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, मैकबेथ और बैंको, यही तो दोनों युद्ध करने के लिए गए हुए थे। ओके, तो यही दोनों क्या थे, ये जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें, व्हेन मैकबेथ
एंड बैंको, व्हेन मैकबेथ एंड बैंको वर रिटर्निंग फ्रॉम द ग्रेट बैटल, फ्रॉम द ग्रेट बैटल देयर वर। अब जब क्या था भाई, मैकबेथ और जो बैंको थे, जब मैकबेथ और बैंको दोनों लौट करके आ रहे थे बैटल ग्रीन से, तो फिर युद्ध के जो मैदान से आ रहे थे, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, क्या था वहां पर, थंडर एंड रेनफॉल हो रहे थे, थंडर एंड लाइटनिंग थी, या फिर रेनफॉल एंड लाइटनिंग थी, या फिर स्नोफॉल एंड लाइटनिंग हो रही थी उस टाइम। तो उस टाइम पर क्या था, आप देख सकते हैं वहां थंडर एंड लाइटनिंग थी, ध्यान रखिए। क्या था ऑप्शन नंबर बी इज वेरी राइट, थंडर एंड लाइटनिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द वे फ्रॉम द ग्रेट बैटल, ओके, ऑन द वे फ्रॉम द ग्रेट बैटल, जो युद्ध था उस युद्ध के रास्ते पर, मैकबेथ एंड बैंको वर स्टॉप्ड बाय, मैकबेथ और बैंको जब उस रास्ते से निकल करके जाते हैं तो उनको रोक लिया जाता है। आपको बताना है कि कौन रोकता है उनको, ठीक है, क्या उन्हें थ्री विमेन, ओके, थ्री विमेन, तीन महिलाएं आती हैं वो रोक लेती हैं, या फिर थ्री डीमंस, तीन राक्षस आते हैं वो रोक लेते हैं, या थ्री विचेस, तीन चुड़ैले आती हैं वो रोक लेती हैं, या फिर थ्री घोस्ट, ओके, तीन कोई भूत आ जाते हैं वहाँ पर वो उनको रोक लेते हैं। तो देखिए इनमें से कौन प्रकट होता है वहाँ पर, इनमें से आप देखोगे तो थ्री विचेस, तीन चुड़ैले आती हैं और वो इन दोनों को वहाँ पर रास्ते में रोक लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री विचेस लुक्ड लाइक वीमेन एक्सेप्टिंग, अच्छा जो तीनों विचेस थी, जो तीन चुड़ैलें जो थी, दिखने में महिला जैसी लग रही थी, ठीक है, क्या लिखा हुआ, लुक्ड लाइक वीमेन, वो महिला जैसी लगती थी एक्सेप्टिंग, लेकिन महिलाएं बैंकोट को महिला कहने से थोड़ा सा संकोच करता है। आपको बताना है कि क्यों, किसकी वजह से करता है, उनकी स्किन की वजह से, ड्रेस की वजह से, हेयर की वजह से, या फिर बियर्ड्स की वजह से। तो आपको बता दें कि जो वैसे तो रियल में वो महिला की जो चुड़ैलें रास्ते में उनको मिलती हैं, वो चुड़ैलें वो महिलाओं के ज्ञान के फॉर्म में होती हैं, बट एक बड़ी अच्छी बात थी उनकी दाढ़ी थी, ओके, किसी भी तो वो बैंको कहता है कि भाई तुम्हारा ये रूप मुझे तुम्हें महिला कहने से रोकता है, मैं तुम्हें महिला नहीं कह सकता, महिलाओं की दाढ़ी नहीं होती, तुम्हारी तो दाढ़ी है, तो मुझे लगता है इस दुनिया की तो नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थिंग्स विच मेड द थ्री विचेस लुक लाइक अनअर्थली क्रिएचर से नंबर। अब देखो यही क्वेश्चन भी आ गया है, अनअर्थली क्रिएचर का मतलब क्या है, कि ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण आप उसे इस पृथ्वी की, इस धरती के प्राणी कह नहीं सकते, उन चुड़ैलों को, ऐसी क्या चीज थी जो उन्हें डिफरेंट बनाती थी, विदर्ड स्किन थी उसकी एंड वाइट ड्रेस, थोड़ा सा अजीब टाइप की ड्रेस भी थी उनकी, विदर्ड ड्रेस एंड वाइट स्किन थी उनकी, या फिर आप कह सकते हैं स्किन लिप्स, लिप्स जो थे उनकी वो बहुत ज़्यादा पतली थी एंड वाइट स्किन थी, स्किन लिप्स एंड विदर्ड ड्रेस, ओके, तो इसमें आप देखेंगे तो क्या था भाई, उनकी स्किन तो जो थी वो विदर्ड थी, बिल्कुल स्किन कैसी थी, सूख चुकी थी, हड्डियाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं कि दस रही थी उनकी, स्किन इस टाइप की थी उनकी, ओके, तो विदर्ड स्किन थी, स्किन कैसी थी उसकी, विदर्ड थी, और जो वाइट ड्रेसेस थी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज वेरी राइट, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हेन मैकबेथ एंड बैंको सॉ द थ्री विचेस देवर, क्या था जब मैकबेथ और बैंको ने तीनों चुड़ैलों को देखा, तीनों चुड़ैलों को देखा तो क्या देखा उन्होंने, जब उस समय पर देखा तो वो क्या कर रही थी, देवर डांसिंग एंड प्लेइंग, नाच रही थी और खेल रही थी, डांसिंग एंड सिंगिंग, या फिर आप कह सकते हैं प्लेइंग एंड सिंगिंग, या डांसिंग एंड शॉटिंग, क्या कर रही थी, जब बैंको और मैकबेथ ने उन चुड़ैलों को देखा था तो उस समय पर क्या एक्टिविटी कर रही थी, वो क्या कर रही थी उस समय पर, डांस कर रही थी और सिंगिंग कर रही थी, ठीक है, तो डांस करती थी तीनों चुड़ैलें जो थी, तीनों ने एक दूसरे के हाथ को एक दूसरे के हाथ में पकड़ा हुआ था और गोल गोल घूम रही थी और गा रही थी, गीत गाती हुई क्या बोल रही थी कि वेन शैल वी मीट थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन, ओके, इस प्रकार से वो गीत गा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सॉन्ग ऑफ द थ्री विचेस बिगिन सीन विद, अब जब ये यानी क्या है जो सॉन्ग गाती हैं
तो इनकी जो बातें हैं, जो इनका वार्तालाप शुरू होता है, तो आपको बताना है कि इनका वार्तालाप किन बातों से शुरू होता है। क्या वो ये कह रही होती है कि फोर इज फोर, क्या फोर इज फेयर कहती है, या फेयर इज फाउल कहती है, या ऑल आर फाउल कहती है, क्या कह रही होती है वो, तो इसमें देखेंगे आप उन्होंने एक क्या क्या है जवाब दिया होता है। तो जो चुड़ैले हैं तीनों मिलकर के क्या है एक जवाब देती होती है। जब उसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन शैल वी यू नो थ्री मीट अगेन इन थंडरिंग लाइटनिंग इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन, ओके, तो उसका क्या होता है कि तीनों जो चुड़ैले हैं ना, फिर वो जाती है कि मैं पैडॉक सी नो कॉलिंग मी, जो पैडॉक है ना वो मुझे बुला रहा है, ऐसे वो चली जाती है कि कैट मुझे बुला रही है, तीनों वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर वो पूछती हैं जाने से पहले कि ये तो बताओ कि हम मिलेंगे कब, ओके, तो फिर वो मोशन की बात करती हैं और कहती हैं क्या कि फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, फेयर इज क्या कह रही, फेयर इज फॉल एंड फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर एंड फॉल इज फॉल इज फेयर, ये लाइन बोलती है वो ध्यान हो चुके हैं। फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर क्या कह रही है कि जो मौसम अच्छा होता है हम आत्माओं के लिए वो बुरा होता है इंसानों के लिए, और जो बुरा होता है इंसानों के लिए वो अच्छा होता है हम आत्माओं के लिए। अगर तुमसे पूछा जाए बताइए इसके अंदर फेवर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो बता पाएंगे वो फेयर और ये क्या है फॉल, तो फेयर और इसका एंटोनिम दे रखा है, एंटोनिम वर्ड्स अपोजिट वर्ड किसमें आते हैं, तो आप कहेंगे ऑप्शन दो। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इस लाइन में अनुपात कौन सा है, और बहुत ही फेमस लाइन है धारणा अक्सर पूछी जाती है, हो सकता है आपसे अनुपात पूछ ले, ऑक्सीमोरोन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग ऑफ द विचेस, जो विचेस सॉन्ग गा रही थी ना उसके अकॉर्डिंग क्या था, दे होवर थ्रू, वो क्या करती है देखिएगा, फॉग एंड फिल्थ, फॉग इज ईयर एंड फिल्थ, या फिल्थी ईयर एंड मिस्ट, या फिर फॉग एंड फिल्थ ईयर, तो वो किस दर से होकर के होवर करती हो जाती है, होवर मतलब होता है एक ही जगह पर रुक जाती है, तो वो क्या करती है वो फॉग एंड फियर, ओके, फॉग एंड फिल्थ ईयर, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, हम थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास करेंगे, ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, द फर्स्ट विच शैल बी मैक्बेथ इन विद द टाइटल, बताया आपको जो पहली विच होती है ना वो मैक्बेथ को किस टाइटल से पुकारती है, क्या टाइटल देकर के उसको सैल्यूट करती है, द थीन ऑफ ग्लेनिस कहती है, या थीन ऑफ कार्टन कहती है, या फिर थीन ऑफ नॉर्वे, या फिर द थीन ऑफ थीन्स कहती है, ओके, तो आप देखेंगे उसको क्या कहती है। अच्छा, वो समय पर थीन ऑफ ग्लेनिस था, तो पहली जो चुड़ैल थी ना उसे वो थीन ऑफ ग्लेनिस कहकर के पुकारती है, ऑप्शन नंबर ए इज बेटर। अब आपको ये भी पता होगा देखो, जो ग्लेनिश का पद है वो मैकबेथ के पास किससे आया था भाई, इनहेरिटेंस में मिला था, इनहेरिटेंस का मतलब उसके फादर से मिला था, उसके फादर का नाम जानते हो क्या है, साइनेल, क्या नाम है ध्यान रखो, ओके, साइनेल, ये कौन है, फादर ऑफ मैकबेथ, याद रखना फादर ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के फादर का नाम क्या था, तो आप कहोगे क्या, साइनेल, तो साइनेल की डेथ लाइन आती है, मैकबेथ कहता है कि आई नो, जब उसे पता चलता है कि मुझे क्वार्टर की पद भी दे दी गई है, तो क्या कहता है, आई नो आई एम ग्लेनिश बाय द डेथ ऑफ शाइनेल, ओके, माय फादर, तो शाइनेल यानी कि उसके फादर की डेथ पे तब से वो क्या है, ग्लेनिश का थीम तो है लेकिन क्वार्टर का बन गया, तो दैट वॉज द विच न्यू, दैट वॉज द विच न्यू हिम मेड मैकबेथ, ओके, तो देखिए वो जो That the which is new, वो बात जो which is जानती थी, ठीक है, new him जो उसके बारे में जानती थी, made Macbeth, उसने Macbeth को क्या बनाया, यानी कि जिस जो बात मैं जो चुड़ैले थी उन्होंने जो कही थी उस बात को सुनकर के Macbeth आके कैसा हो गया था, startled हो गया था, इसका सली startled हो गया था, या स्पेल बाउंड हो गया था, या stupid हो गया था, startled करके एकदम आश्चर्य हो गया था, इसका सली startled मतलब मान लो कि startled नहीं हुआ तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ था, स्पेल बाउंड मतलब वो थोड़ा सा उसके जादू में फंस गया था, स्टूपिफाइड मतलब वो मूर्ख बन गया था, तो आप आएंगे उसको वो क्या गया था थोड़ा सा, जब उसने ये सुना कि तुम राजा बनोगे तो वो विश्वास नहीं करता, ठीक है, तो इस कहाँ से भी स्टार्ट है उसे कोई आश्चर्य उस समय पर नहीं हुआ था, आश्चर्य तब होता है जब पहली भविष्यवाणी सच हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेकंड विच एड्रेसेस यू नो मैकबेथ, जो सेकंड विच है ना वो मैकबेथ को किस नाम से एड्रेस करती है, वो क्या कहकर के पुकारती है, क्या उसे थीन ऑफ नॉर्वे कहती है,
ओके, या फिर द थेन ऑफ ग्लैंच कहती है, द थेन ऑफ कार्डर कहती है, या फिर द वुड बी किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, स्वागत करते हैं। तीसरी वाली जो जुड़ा थी, टोल्ड दैट मैकबेथ ही मिल गई, उसने बताया था कि मैकबेथ बनेगा, क्या बनेगा भाई, द थीन ऑफ ग्लैमिश हियर आफ्टर, इसके बाद थीन ऑफ ग्लैमिश बन जाएगा, या द थीन ऑफ कार्डर हियर आफ्टर, इसके बाद थीन ऑफ कार्डर बनेगा, या फिर द थीन ऑफ नॉर्वे एंड द फ्यूचर ऑफ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, क्या बनेगा, द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का यानी क्या है, भावी राजा बनेगा वो, और ये बात यानी क्या है, कौन कहता है, थर्ड वाली जो नीचे है, थर्ड जो है ना वो ध्यान रखना उसको क्या है, ये स्कॉटलैंड का राजा कहकर पुकारती है। ओके, स्कॉटलैंड के भावी राजा हम आपका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, देखो द प्रोफेटिक ग्रीटिंग ऑफ द थर्ड विच, जो प्रोफेटिक ग्रीटिंग थी, ग्रीटिंग मतलब जो स्वागत में थर्ड विच ने उसको कहा था, अमेज्ड मैकबेथ बिकॉज ही न्यू दैट, अच्छा उसने जब कहा था कि तुम क्या होगे, तुम ग्लेनिस के तुम जो स्कॉटलैंड है वहां के राजा बनोगे, तो इस बात की वजह से मैकबेथ को, मुझे लगता है कि मैकबेथ थोड़ा सा क्या हो जाता है, अमेज्ड मैकबेथ बिकॉज, थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्यों होता है उसे आश्चर्य, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है, एज लॉन्ग एज डंकन सीम शेपर्ड, क्योंकि राजा डंकन जीवित थे, ही हैड नो स्कोप ऑफ बिकमिंग द किंग, और उसके राजा बनने का कोई चांस नहीं था, इसलिए बोला था भाई किंग डंकन अभी जीवित है और उसके उसका कोई चांस नहीं वो राजा बन पाए, क्या ये ऑप्शन था, या फिर आप कह सकते हैं एज लॉन्ग एज डंकन सर्वाइव्ड एंड ही हैड नो होप ऑफ बिकमिंग द किंग, या फिर उसको राजा बनने का या राजा बन जाने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि किंग डंकन अभी जिंदा है, एज लॉन्ग एज बैंकोस सन सर्वाइव्ड ही हैड नो स्कोप ऑफ यू नो बिकमिंग द किंग, क्योंकि अभी बैंको के बेटे जीवित हैं इसलिए उसका राजा बनने का कोई चांस नहीं था, या एज लॉन्ग एज मैकडफ सर्वाइव्ड ही हैड नो स्कोप ऑफ यू नो बिकमिंग द किंग, मैकडफ जिंदा था इसलिए कोई चांस नहीं मिलता, तो देखिए मैकबेथ आप कह सकते हैं मैकडफ और बैंको की तो बात ही नहीं है, सिर्फ डंकन से रिलेटेड बात है, तो एज लॉन्ग एज डंकन से सर्वाइव्ड, डंकन जीवित था एंड ही हैड नो स्कोप ऑफ बिकमिंग द किंग, उसे यानी क्या है कोई होप नहीं होता, ठीक है उसे कोई उम्मीद नहीं होती है, उसे मालूम थी क्या कि डंकन जो है ना वो जीवित है और डंकन के तो बेटे भी जीवित हैं भाई, मैलकम है उसके बाद, और हुआ क्या था, देखो डंकन ने क्या किया था, अपने बड़े बेटे मैलकम को उसने क्या कर रखा था, मैलकम को अपना उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया था। ओके, और ये बात आप जानते हैं क्या है, उसको मालूम थी इसलिए वो आश्चर्य करता है कि भाई कोई उम्मीद नहीं है कैसा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए व्हेन द पिच इज प्रोफिशिएंट, जब जो चुड़ैलें होती है ना, जब वो भविष्यवाणी करती है अबाउट द रॉयल एसोसिएशन ऑफ मैकबेथ, के मैकबेथ जो है ना राजा बनेगा, राजा बनेगा, बैंको बिकम क्यूरियस यू नो टू नो, बैंको भी जानने को थोड़ा सा उत्सुक होता है, क्या जानने को होता है कि व्हाई द पिच इज सेड ऑल द पॉजिटिव थिंग अबाउट मैकबेथ, ये जानने के लिए कि सब कुछ यानी कि चुड़ैलों ने पॉजिटिव बात जो कही है वो मैकबेथ के बारे में क्यों कही है, या फिर उसको ये था कि बाय विच इज यू डिड नॉट सी एनीथिंग अबाउट हिम, वो ये जानना चाहता था कि चुड़ैलों ने उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया भाई, सब कुछ मैकबेथ को देना चाहती है क्या, बाय द विच इज यू एसोसिएटेड किंगशिप यू विद मैकबेथ, या फिर आप कह सकते हैं बाय द विच इज यू एसोसिएटेड किंगशिप यू विद फियांस। ओके, तो आप कहेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज वेरी राइट, बैंको चाहता था कि कुछ हमारे बारे में भी बताओ, और वो क्वेश्चन कर ही देता जब वो बताते नहीं है, तो वो कह देता कि हमारे बारे में कुछ बताओ, तुमने मैकबेथ के बारे में बता दिया, कुछ हमारे बारे में बता के दिखा। ओके, अच्छा बैंको जो है ना आप कह सकते हैं भारत से था, जब वो चुड़ैलों को देखता है तो मैकबेथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बैंको उनसे मना कर देता, उनसे डरता नहीं, उनसे बोल देता मुझे तुमसे कोई डर नहीं,
ओके तो बैंक को थोड़ा भाग उठा दे अकॉर्डिंग टू देखो अकॉर्डिंग टू बैंको बैंको के अनुसार डीआरएस यू फ्रेंड वॉच ओके जो बैंको है बैंको का सबसे अच्छा जो मित्र था वो कौन है मेलबर्न या फिर मैकडम है मैकवेट है या फिर डोनाल्ड है ठीक है मेलकम और डोनाल्ड भी दोनों आपको मालूम है ब्रदर्स हैं दोनों भाई भाई हैं ओके और राजा डंकन के दोनों बेटे तो मैकवेट जो था वो आप जानते हैं मैकवेट जो था वो जो है बैंको का सबसे अच्छा मित्र था ध्यान रखो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी अकॉर्डिंग टू बैंको ओके अकॉर्डिंग टू बैंको द थिंग विच द विच इज ओके किंडल्ड इन द हार्ट ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड मैकवेट वॉज अच्छा वो क्या चीज थी बैंको के अनुसार कोरेलो ने उसके यानी क्या है मित्र उसके सबसे अच्छे मित्र की यानी क्या हृदय में भर दी थी क्या बात उसने भर दी थी तो आप एम्बिशन पैदा कर दी थी उसके अंदर जेलसी भर दी थी मडराशी में मोटिव आ गया था या वो बात ओके तो जब उसने ये कहा कि तुम राजा बनोगे और उसके बाद से जब क्वार्टर का जो थीम होता है ना वो बन जाता है तो आप जानते हैं उसके बाद से क्या होता है उसकी जो उम्मीदें होती हैं ना वो बढ़ जाती हैं ओके उम्मीदें बढ़ जाती हैं उसे लगा कि अब तो उम्मीद है कुछ ना कुछ तो हुआ द नेचर ऑफ द प्रोफेसी ऑफ द विचेस टू बैंको वॉच क्या था जो प्रोफेसी की थी जो भविष्यवाणी की थी बैंको के प्रति वो किस प्रकार की थी रिडली थोड़ा सा पजल थी पाइलिंग थी उसके अंदर यानी कि वो बात थोड़ा सा पाइलिंग को दर्शाती थी या फिर बैटिंग थोड़ा सा आप कह सकते हैं बौखलाने वाली बात थी कंफ्यूजिंग कंफ्यूज करती थी पजलिंग थी तो आप देख सकते हैं यानी क्या इसमें वो रिडलिंग वाली बात करता है ठीक है रिडलिंग क्या है पजल को कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्कॉटलैंड इन फ्यूचर आर बैंकोस बताना है आपको कि आगे फ्यूचर में जो राजा बनेंगे जो शासन करेंगे वो बैंको के कौन है भाई ये बताना है आपको कंटेम्पोररीज हैं उसके समकालीन हैं उसके सक्सेसर हैं प्रेडिसेसर हैं या फिर उसके फादर्स हैं अब देखो कंटेम्पोररीज का मतलब उसके समकालीन तो आप जान सकते हैं जैसे कौन कौन है जैसे मैकवेट है मैकडफ है ये लोग उसके समकालीन है किंग डंकन उसका समकालीन है ओके सक्सेसर का मतलब उसकी जो पूर्वज है ठीक है सक्सेसर नो और वंशज ओके और प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है पूर्वज तो भाई पूर्वज नहीं उसने कहा था कि उसके जो वंशज होंगे वो क्या करेंगे वो राजा बनेंगे ठीक है चुड़ैला ने यही तो कहा था कि बैंको तो राजा नहीं बनने वाला बट बैंको राजाओं का यानी क्या है एक पिता बनेगा ठीक है उसकी पीढ़ियां सात पीढ़ियां उसकी क्या करेंगी राज करेंगी ओके ये भविष्यवाणी चुड़ैलों ने बैंको के लिए की थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या लिखिए आफ्टर मेकिंग देयर प्रोफेसीज द विचेस वैनिश्ड इनटू अपनी यानी क्या भविष्यवाणियां करने के बाद जो चुड़ैलें थी ना वो गायब हो जाती हैं किसमें हो जाती हैं द एटमोसफियर एयर थिन एयर या एयर सब्सटेंसेस तो किसमें हो जाती हैं आप देखेंगे थिन एयर की बात हो रही होती है वहां पर थिन एयर ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द इवेंट इन विच वो घटना जो ओके वो घटना जो क्या थी विच मेड इट सर्टेन टू बैंको एंड मैकवेट वो कौन सी घटना थी जिसने बैंको और मैकवेट को ये निश्चय करा दिया दैट वीड सिस्टर्स इन वर विचेस इन वॉच कि जो वीड सिस्टर है ना वो चुड़ैले हैं वो बात क्या थी वैनिशिंग इन स्मोक वह स्मोक में धुएं में गायब हो गई थी डिजॉल्विंग इन वाटर डांसिंग विद इन रिदम और वैनिश इन द एयर तो क्या थी चुड़ैले जो थी हवा में क्या हो जाती है वो गायब हो जाती है ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज वेरी राइट ओके जब उन्हें हवा में गायब होते हुए देखते हैं तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये चुड़ैले ही थी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द एनकाउंटर ऑफ मैकवेट एंड बैंको हम थ्री विचेस इन वाज स्ट्रेंज बिकॉज मैकवेट और बैंको जब यहाँ उन तीन चुड़ैलों से मिलते हैं उनके साथ एनकाउंटर होता है मुलाकात होती है तो थोड़ा सा अजीब लगता है उनको क्यों लगता है द विचेस टोल्ड देम अबाउट देयर फ्यूचर लाइफ क्योंकि चुड़ैलों ने उसकी फ्यूचर लाइफ बता दी थी इसलिए द विचेस यू हैड स्ट्रेंज ओके तो विचेस जो थी वो थोड़ा सा स्ट्रेंज थी अजनबी टाइप की लगती थी
द एनकाउंटर टू प्लेस एट स्टेंज प्लेस, जो उनकी मुलाकात हुई थी वो पुरा साथी के स्थान पर हुई थी, या फिर मैकबेथ एंड बेंको पर स्पेंज बीन, या फिर मैकबेथ और जो बेंको थे ना वो थोड़ा सा ही प्राणी थे, क्या था? तो आप कहेंगे उनको भविष्यवाणी बता दी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज वेरी राइट, भविष्यवाणी भी बताई थी, उससे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था, ये कैसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, किंग डंकन सेंट शर्टिंग एनवॉइस, किंग डंकन क्या करता है अपने कुछ एनवॉइस अपने दूत को भेजता है टू कन्फर्म अपॉन मैकबेथ का टाइटल, मैकबेथ को टाइटल देने के लिए ये कहता है कि तुम इस टाइटल से मैकबेथ को पुकारो, तो क्या टाइटल भेजता है वो, द थीन ऑफ ग्लैरिस का, या फिर थीन ऑफ कार्डर, या फिर द थीन ऑफ फाइव, द थीन ऑफ रॉस। तो आप देखेंगे उसमें थीन ऑफ ग्लैरिस तो शुरुआत से था ही, लेकिन द्वारा राजा जब युद्ध जीत करके आता है तो उसे एक और पदवी देता है, वो किसकी देता है, थीन ऑफ कार्डर, ठीक है भाई, थीन ऑफ कार्डर की पदवी दे देता है। ओके अच्छा, थीन ऑफ फाइव कौन है, तो याद रखना थीन ऑफ फाइव है मैकडम, ठीक है, मैकडम जो है ना वो थीन ऑफ फाइव है, ओके, और थीन ऑफ रॉस कुछ नहीं है, रॉस तो एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इवेंट विच मिरेकुलसली, ओके, विच मिरेकुलसली करस्पॉन्डेड टू द प्रेडिक्शंस ऑफ द विचेस वाज दैट, क्या कह रहा है, देखिएगा कि द इवेंट वो घटना विच मिरेकुलसली जो एक रहस्यमय तरीके से करस्पॉन्डेड टू द प्रेडिक्शंस, जो प्रेडिक्शंस हुई थी उनके साथ होती है, ऑफ द विचेस वाज दैट, मैकबेथ वाज गिवन द टाइटल ऑफ किंग, मैकबेथ को यानी क्या है टाइटल किंग का टाइटल दे दिया गया था, मैकबेथ वाज गिवन द टाइटल ऑफ थीन ऑफ ग्लैरिस, या फिर मैकबेथ वाज इन गिवन द टाइटल ऑफ थीन ऑफ कार्डर, या नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई भी। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लो कि क्या कहना चाहता है, द इवेंट यानी कि वो घटना, याद रखो सुनो जरा क्वेश्चन, विच मिरेकुलसली जो रहस्यमय तरीके से करस्पॉन्डेंट टू द प्रेडिक्शन, जो भविष्यवाणी हुई थी उस भविष्यवाणी के अनुसार सच साबित हो जाती है, ऑफ द विच यानी कि चुड़ैल की, तो चुड़ैल की वो कौन सी भविष्यवाणी थी जो क्या हो जाती है सच हो जाती है, तो सच कौन सी होती थी, मैकबेथ वाज गिवन द टाइटल ऑफ थीन ऑफ कार्डर, थीन ऑफ कार्डर की पदवी तो दे दी गई थी, तो यही तो जो था, ये तो उसकी जो क्लियर हो जाती है भविष्यवाणी कन्फर्म हो जाती है, बात हुई तो मैकबेथ के दिमाग में ख्याल आना शुरू होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है ना सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ फेल्ड टू रेस्पॉन्ड टू द ग्रीटिंग्स ऑफ द एनवॉइस बिकॉज, अच्छा जब मैकबेथ को ये पता चलता है कि उसे थीन ऑफ कार्डर बना दिया गया है तो वो थोड़ा सा कुछ जवाब नहीं दे पाता, ओके, वो ग्रीटिंग्स उसे वापस नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता आपको जवाब देना है, ही वॉज नॉट दैट इन कॉर्टियस, क्या वो इतना कॉर्टियस नहीं था, ओके, वो इतना दयालु टाइप का इंसान नहीं था, या फिर ही डिड इट वॉलेंटरली, या ऐसा उसने जानबूझ कर नहीं किया था, बैंको कैप्ट हिम बिजी इन हिज कंफ्यूजिंग टॉक्स, बैंको ने अपनी उलझाऊ बातों से फंसा रखा था, या फिर द कन्फरिंग ऑफ द टाइटल द थीन ऑफ कार्डर टू हिम मेड हिम लूज हिज सैनिटी फॉर द टाइमिंग, उस समय पर यह था जो थीन ऑफ कार्डर की जो पदवी उसको दी गई थी उसने उसे आश्चर्य कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि थीन ऑफ कार्डर तो अभी जीवित है, मुझे कैसे दे सकते ये पदवी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कन्फरिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द थीन ऑफ कार्डर, थीन ऑफ कार्डर का जो टाइटल कन्फर्म हुआ था टू हिम मेड मैकबेथ, उसने मैकबेथ को क्या बना दिया था, अमेज्ड आश्चर्यित हो गया था, एंग्री क्रोधित हो गया था, सिंपैथेटिक हो गया था, या लवेबल हो गया था, जैसे वो सुनता है कि तुम्हें थीन ऑफ कार्डर बना दिया गया है और उसे उसी टाइम पर भविष्यवाणी हुई थी कि तुम थीन ऑफ कार्डर बनोगे, तो ये सुनकर के उसको आश्चर्य होता है, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्या है, व्हेन मैकबेथ बिगिन, क्या होता है जब मैकबेथ शुरू करता है किस बात को, बिगिन टू थिंक, ये सोचना शुरू करता है कि अबाउट द प्रेडिक्शंस ऑफ द थर्ड विच, क्या सोचता है वो कि तीसरी जो चुड़ैल थी उसकी भविष्यवाणी के बारे में सोचता है, कि बिगिन वो क्या बन जाता है, एंग्री होपफुल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है,
तो ध्यान रखिएगा उसको उम्मीद होना शुरू हो जाती है, उसे लगता है कि अगर पिछले दिन की एक भविष्यवाणी शुरू हुई है और वो जो भविष्यवाणी हुई थी वो एक सच हो गई है तो अब दूसरी और तीसरी भी सच होगी। ओके, इसी उसे ये विश्वास हो जाता है कि अब तो राजा बन सकता है, उम्मीदें उसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करोगे अकॉर्डिंग टू मैपिट, मैपिट के अनुसार दो जो विल बिकम द थिंग्स ऑफ द फ्यूचर आर नन बट द, अच्छा वो लोग जो भविष्य के राजा बनेंगे वो कोई और नहीं है तो कौन है, द फ्यूचर जनरेशन ऑफ मैकडफ, मैकडफ की फ्यूचर जनरेशन है, द फ्यूचर जनरेशन ऑफ रॉस, रॉस की जनरेशन है, द फ्यूचर जनरेशन ऑफ बैंको, बैंको के बेटे हैं वो, या द फ्यूचर जनरेशन ऑफ एंगस, एंगस की जनरेशन है। तो आप जानते हैं बैंको को ही तो ये क्या है चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी सात पीढ़ियां राज करेंगी, तो ये क्या था फ्यूचर जनरेशन ऑफ बैंको। क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, अकॉर्डिंग टू बैंको विच इज आर, भाई बैंको के अनुसार जो बिचेस थी जो चुड़ैल थी वो क्या है, एजेंट्स ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस एजेंट्स ऑफ डार्कनेस, या फिर क्वींस ऑफ डार्कनेस है, मैसेंजर्स ऑफ डार्कनेस है, या फिर मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस है। तो याद रखना उनको क्या कहता है, मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस, ऑप्शन नंबर डी इज वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बैंको, बैंको के अनुसार द मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस बीट्रे अस इनटू, वो कहता है कि मिनिस्टर ऑफ डार्कनेस जो है उन्होंने हमको धोखा दिया है किस मैटर में, डीड्स ऑफ रिकंपेंसेस, डीड्स ऑफ ग्रेटेस्ट कंपेंसेस, डीड्स ऑफ सिलेक्ट कंपेंसेस, या फिर नन ऑफ दीज। अच्छा उसका मानना था देखो जो काम है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, ठीक है, डीड्स ऑफ ग्रेटेस्ट कंपेंसेस के बारे में उसने हमको क्या किया है धोखा दिया है, वो ये कहता ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखोगे, और क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, अकॉर्डिंग टू बैंको, बैंको के अनुसार द मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस बीट्रेस अस इनटू, अच्छा ये तो हो ही गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, द प्रोफेसीज ऑफ विचेस, जो विचेस ने भविष्यवाणी की थी वो ओके अफेक्टेड द माइंड ऑफ मैक्रेट, उसने मैक्रेट के माइंड को प्रभावित किया, कैसे किया था, डीपली वेरी स्लाइटली, वेरी डीपली, या फिर स्लाइटली, तो गहराई से किया, बहुत कम किया, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गहराई से किया, या स्लाइटली का मतलब थोड़ा कम किया, तो आप देख सकते हैं बहुत गहरा प्रभाव डाला उसके माइंड पर। ओके ऑप्शन नंबर सी इज वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हिज लेटर मैकबेथ टोल्ड हिज वाइफ अबाउट, अपने लेटर में मैकबेथ ने अपनी वाइफ को किस चीज के बारे में बताया था, क्या कहता है मैकबेथ, द प्रेडिक्शंस ऑफ द थ्री विचेस, जो तीन चुड़ैलें थी उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में अपनी वाइफ को लेटर लिख करके भेजता है, या फिर द पार्सल एकम्प्लिशमेंट ऑफ दीज प्रेडिक्शंस, या फिर पार्सल का मतलब होता है अधूरा आधा, एकम्प्लिशमेंट का मतलब पूरा होना, कि उसने कहा था कि जो आधी जो प्रेडिक्शन हुई थी ना वैसे कुछ तो पूरी हो चुकी है, नन ऑफ द अबव, या इनमें से कुछ नहीं कहा था, या फिर बोथ ए एंड बी, या दोनों बातों को लेटर में लिखा था। तो पहली बात क्या लिखा, द प्रेडिक्शन ऑफ द थ्री विचेस, थ्री विचेस ने क्या भविष्यवाणी की उसके बारे में इसको लिखता है, तो ये बिल्कुल बात सही है इसको लिखता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, द पार्शियल एकम्प्लिशमेंट, आधी भविष्यवाणी सच हो गई है, तो आप जानते हैं कि थीन ऑफ कार्डर बनने की जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच हो चुकी थी, इसका मतलब ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी मैकबेथ बाय नेचर, बताना आपको जो लेडी मैकबेथ थी ना वो बाय नेचर, नेचर से वो किस प्रकार की थी, एक्सट्रीमली एम्बिशियस थी, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी, एबनॉर्मली थॉटफुल थी, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवर थी, या नन ऑफ द अबव। तो देखो लेडी मैकबेथ जो थी ना वही तो साथ है, मैकबेथ तो कंफ्यूज हो जाता है और मर्डर करने की मना भी करता है, लेकिन ये कहां मानती है। ओके हाँ भाई क्या कहते हैं,
थोड़ा सा मुझे लगता है लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, महिलाएं थोड़ा सा मुझे लगता है षड्यंत्र रचाने में थोड़ा सा माहिर होती जा रहा है। क्या देखिए, द थॉट ऑफ ब्लड मेड मैकबेथ फील, थॉट ऑफ ब्लड यानी कि खून के जो विचार थे ना वो मैकबेथ को क्या महसूस करा देते हैं, इलेटेड, ओके, कम कंपंक्शन, ओके कंपंक्शन, या ऑप्टिमिस्टिक या फिर पैसिमिस्टिक, ओके। तो इलेटेड का मतलब कुछ, तो ऐसा तो नहीं होता मैं जब खून का यानी कहेंगे दृश्य के बारे में विचार करता है कि मुझे राजा डिंगल का मर्डर करना है, तो कुछ तो नहीं होता है इसमें। ऑप्टिमिस्टिक उसे बहुत बड़ी आशाएं होती है, नहीं ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं होता। पैसिमिस्टिक निराशा होती है, तो आप देखेंगे निराशा भी उसको यानी क्या है नहीं हो रही होती है उस टाइम पर, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात तो चल रही है कि राजा को बनना है, ओके राजा तो मुझे बनना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बगैर खून खराबा करे राजा बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मैं क्विट का ये विचार रहा। तो वो थोड़ा सा क्या करता है पछताता है कि मैं जिस व्यक्ति ने मुझे सब कुछ दिया, ओके कंपंक्शियस का मतलब क्या होता है पछताना, रेग्रेट करना, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना वही आपका सही आंसर हो जाएगा। मैकबेथ को डंकन, देखो मैकबेथ को डंकन से कोई शिकायत नहीं थी ज्यादा, उसने तो सिर्फ क्या है किसकी वजह से अपनी अभिलाषा को पूरा करने के चक्कर में और राजा डंकन को मारा, अन्यथा राजा डंकन से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो अकॉर्डिंग टू लेडी मैकबेथ, भाई लेडी मैकबेथ के अकॉर्डिंग फॉर द फिल फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसिस, प्रोफेसिस के फुलफिलमेंट का मतलब पूरा होने के लिए, ऑफ द विचेस यानी जो विचेस लिखी थी, द मर्डर ऑफ किंग वॉच, मर्डर ऑफ किंग यानी क्या है राजा डंकन का जो मर्डर था वो कैसा था, बेयरली नेसेसरी यानी कि शायद इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बेयरली नीडेड इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, या अब्सोल्युटली, ओके अब्सोल्युटली नेसेसरी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, या आप कह सकते हैं अब्सोल्युटली अननेसेसरी बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं थी। तो देखो इसकी जरूरत थी, ओके भाई आप लेडी मैकबेथ के बारे में जो सोचोगे तो उसको मालूम था राजा डंकन का मर्डर होना यानी उसका मरना निश्चित है, तभी राजा बन पाओ मैकबेथ, ओके। और मैकबेथ जब तुम राजा बनोगे तो रानी दो भी बनेगी, तो ये तो इतना प्रयास करते थे भाई, वैसे तो तुम्हें क्या लगा राजा बनाने के लिए, खुद भी तो रानी बन, क्या कहते थे किंग डंकन केम टू विजिट मैकबेथ इन कैसल, किंग जो डंकन है वो मैकबेथ के महल में आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है टू ऑनर मैकबेथ फॉर लुक वॉच, मैकबेथ का सम्मान करने के लिए आए थे, उसमें कोई वैसी कोई रीजन तो था नहीं। टू ऑनर लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ का ऑनर करने आए थे, टू ऑनर मैकबेथ, मैकबेथ का ऑनर करने आए थे, एंड बैंको और बैंको का भी, बिकॉज ऑफ देयर विक्ट्री अगेंस्ट द रेबल्स, क्योंकि उन्होंने जो विरोधी थे उनसे जीत पाई थी, इसलिए टू ऑनर मैकबेथ बिकॉज ऑफ द ट्रम्प अगेंस्ट द रेबल्स, ओके या फिर मैकबेथ का यानी वो सम्मान करने के लिए आए थे क्योंकि उन्होंने रेबल्स से यानी जो विद्रोही थे उन पर जीत प्राप्त की थी। देखो रेबल्स से जो जीत पाए थे तो आप जानते हैं वहां पर सिर्फ मैकबेथ अकेला तो था नहीं, वहां पर बैंको भी साथ था, तो इसमें बैंको ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जानते हो राजा जो डंकन था वो बैंको का स्वागत करने के लिए वजह से नहीं आया था, ध्यान रखो भाई, इसका स्वागत करने आता तो मैकबेथ के महल पे क्यों जाता, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। अब देखो टू ऑनर लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ का सम्मान करने का कोई विचार नहीं था उसका, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज वेरी राइट, टू ऑनर मैकबेथ, मैकबेथ का सम्मान चाहता था वो तो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, द नेम ऑफ द कैशर ऑफ मैकबेथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे, ओके मैकबेथ के पीले का नाम क्या है, ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवरनेस इन्वेस्ट इन्वेस्ट इनवर्डनेस क्या नाम है, तो ध्यान रखिएगा मैकबेथ के किले का नाम क्या है, ओके इनवर्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्डनेस यानी कि इनवर्डनेस क्या है, मैकबेथ का किला है, तब कैसा था मैकबेथ, वाज सिचुएटेड ऑन, बताना आपको ये कहां पर था, ओके आ माउंटेन ये किसी पहाड़ी पर था, ओके पहाड़ पर था, आ हिल या किसी पहाड़ी पर था, हिलॉक पर था या हिल टॉप पर था, तो आपको बता दें कि जो इनवर्नेस है, ठीक है मैकबेथ का जो किला है वो कहाँ पर था, एक पहाड़ी पर था, ठीक है एक पहाड़ी पर था, धारा था जहाँ कुछ पक्षी वगैरह भी रहा करते थे उसके महल के अंदर, जो उसके दृश्य को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाते थे। द एयर अराउंड द कैशल ऑफ मैकबेथ
इनवरनेस वॉच, कैसी थी हवा? स्वीट थी, ओके स्वीट थी, या फिर आप देखोगे तो होलसम थी, बोथ एयर भी नाइदर ए नॉट बी। तो भाई हवा एकदम मधुर थी, ये बात ठीक है, होलसम थी ये भी बात ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्ड्स व्हिच मेड नेस्ट इन इनवरनेस, वो पक्षी कौन से थे जो राजा जो मैकबेथ था, ठीक है, मैकबेथ की जो महल है उस महल में उन पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे, बताना आपको वो पक्षी कौन कौन से थे। ओके भाई द कैशल ऑफ मैकबेथ, ठीक है, तो स्वैगो एंड कुकू, मार्टल्स एंड पैरट्स थी, स्पैरोस एंड क्रोस थी, स्वैगो एंड मार्टल्स थी। ओके तो स्वैगो एंड मार्टल्स थे, कौन थे आपको बताना है, वो कौन से पक्षी थे जहाँ इनवरनेस जो मैकबेथ का किला है वहाँ कुछ पक्षियों के घोंसले बने होते हैं, तो वो पक्षी कौन कौन से थे, तो ध्यान रखना पक्षी कौन से हैं, स्वैगो एंड मार्टल्स। ओके ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द स्वैगोस एंड द मार्टल्स, ओके मार्टल्स हैड बिल्ट नेस्ट इन अंडर, उन्होंने क्या कर रखा था, अपने घोंसले बना रखे थे, कहाँ पर बना रखे थे, ऑल द जटिंग फ्रिज एंड बटरेसिस ऑफ द यू बिल्डिंग, ऑल द जटिंग फ्रिजिस ऑफ द यू बिल्डिंग ओनली, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑल द बटरेस ऑफ द यू बिल्डिंग ओनली, ओके नन ऑफ द अबव। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखिए, द स्वैगो एंड द मार्टल्स हैड गुड नेक्स अंडर, तो जो स्वैगो और मार्टल्स जो पक्षी थे ना, ये पूछ रहा है कि इन्होंने अपने जो घोंसले थे ना वो कहाँ बना रखे थे, तो ऑल द जटिंग फ्रिजेस एंड बटरेसिस ऑफ द बिल्डिंग, या फिर आप क्या कहेंगे ऑल द जटिंग फ्रिजेस ऑफ द बिल्डिंग ओनली, ओके ऑल द बटरेसिस ऑफ द बिल्डिंग ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एट द कैशल ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की कैशल में इनवरनेस आप जानते हो उसके किले का नेम है, किंग डंकन वॉज प्लीज्ड बाय, किंग डंकन जो था वो बड़ा खुश हुआ, क्यों, ओनली द वंडरफुल एम्बियंस ऑफ द कैशल, कैसा था जो एम्बियंस था वहां का, जो औदा जो माहौल था वो बहुत ज्यादा अच्छा था इसलिए हुआ था, या फिर द वंडरफुल एम्बियंस ऑफ द कैशल एंड द अटेंशन एंड रेस्पेक्ट पेड टू हिम बाय लेडी मैकबेथ। अब देखो वहां का जो एम्बियंस था वो बहुत अच्छा भाई था कैसा था, लेकिन उसके साथ साथ जो लेडी मैकबेथ थी उसने स्वागत भी बहुत जबरदस्त तरीके से किया था, इस वजह से डंकन खुश हुआ, या फिर ओनली द अटेंशन एंड रेस्पेक्ट पेड बाय लेडी मैकबेथ, केवल यानी मैकबेथ ने जो रेस्पेक्ट उसको दिया था उसकी वजह से खुश हुआ, द अटेंशन एंड रेस्पेक्ट पेड टू हिम बाय मैकबेथ एंड वंडरफुल एम्बियंस, या फिर मैकबेथ ने जो उसको रेस्पेक्ट दिया था उसकी वजह से, और वहां का जो माहौल जो था प्लेस का वो बहुत अच्छा था। तो आपको बता दें कि रेस्पेक्ट करने के लिए डंकन के, जब डंकन मैकबेथ के महल में पहुंचता है तो मैकबेथ उसका स्वागत नहीं कर पाता, मैकबेथ वहाँ होता ही नहीं, मैकबेथ क्या बोलती है वो थक गए और सो गए, तो उस समय पर मैकबेथ तो होता ही नहीं वहाँ पर। ओके तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही था, ठीक है, वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था और स्वागत कौन करता है, लेडी मैकबेथ करके स्वागत, ध्यान रखना उस टाइम पर, ठीक है भाई। ओके तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे, और इसी प्रकार से कुछ और भी बाकी के जो एम बी पी जी टी में बक्स दिए हुए हैं उनके एम सी क्यूज हम लोग तैयार कर रहे हैं, और आपको रोजाना इसी प्रकार से एक सीरीज मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय।